आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते होंगे कि कल यूपी का बजट पेश हुआ है और ऐसे में आपके महंगाई भत्ता जो डीए आपका फ्रीज कर दिया गया था, उस संदर्भ में भी आपके बजट में प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका महंगाई भत्ता कब कब बढ़ा है, कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता आपका फ्रीज रहा है, और जो महंगाई भत्ते आपके फ्रीज किए गए हैं उसका एरियर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ ही हम इस संदर्भ में भी बात करेंगे कि जब आपको नगद भुगतान इसका किया जाएगा तो आपके वेतन में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के वीडियोज से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने बात की शुरुआत एक समाचार पत्र के समाचार के साथ करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, राज्य कर्मचारियों को डीए के लिए 15,997 करोड़। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सरकार पूर्व के घोषणा के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीए का भुगतान करेगी। जुलाई से डीए के लिए बजट में 15,997 करोड़ 84 लाख 5% का इंतजाम बजट में किया गया है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता करीब 28% बन रहा है। ये 28% कैसे है दोस्तों, अभी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। कोरोना के कारण राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भांति राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। उसी समय सरकार ने इस भत्ते को जुलाई 2021 से देने की बात कही थी। राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के भुगतान पर यह रोक लगाई गई थी। अगर मुख्य सचिव वित्त द्वारा 24 अप्रैल 2020 को जारी शासनादेश में स्पष्ट लिखा था कि 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरें बहाल की जाएंगी, उस समय रोके गए 3 महंगाई भत्ते की दरों को भावी प्रभावी दर में बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस समाचार पत्र में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आइए हम शेष चीज़ों पे अब हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे डीए बकाए हैं वो कब से वृद्धि आपकी रुकी हुई है और कब तक के रुकने की बात हुई है। तो आप जानते होंगे कि जो गवर्नमेंट तरफ से कहा गया था कोरोना महामारी की वजह से जनवरी 2020 से लेके और जनवरी 2021 के बीच बढ़े हुए जो डीए थे उसे फ्रीज कर दिया गया था, वो बढ़ोतरी आपको नहीं दी जा रही है। अब तक जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो 17% की दर से प्राप्त कर रहे हैं, जो महंगाई भत्ता आपको देय हो रहा है। इसके बाद कब कब बढ़ा, आइए इस बात पे हम चर्चा करते हैं। जनवरी 2020 में दोस्तों आपको 4% महंगाई भत्ता बढ़ा, पुनः जुलाई 2020 में 3% की वृद्धि हुई, और पुनः इस साल यानी कि 2021 में जनवरी 2021 में आपको 4% का डीए बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इस तरह से 4 + 3 + 4 = 11, इस तरह से 11% की वृद्धि अब तक डीए में आपके हो चुकी है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो अब तक 11% की वृद्धि हुई है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जनवरी 2020 से और जनवरी 2021 के बीच में जो भी 11% की जो वृद्धि हुई है डीए में, उसका किसी भी प्रकार का कोई एरियर आपको देय नहीं होगा। हालांकि डीए की गणना इन्होंने की है, 11% की वृद्धि आपके डीए में जो हुई है वो आपके वेतन में जोड़ा जाएगा, लेकिन उसका नगद भुगतान एरियर के रूप में नहीं किया जाएगा। इसका नगद भुगतान जुलाई के वेतन से आपको करने की बात कही गई है। जुलाई में आपका जो अब तक 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसमें ये 11% इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और इस 11% के जोड़ने के बाद 17 + 11 = 28% आपका बन रहा है। तो इसी बात को समाचार पत्रों में भी लिखा गया है कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता करीब 28% बन रहा है। दोस्तों, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान अगर 2021 जुलाई से होता है तो ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है केंद्र सरकार पे। जी हाँ दोस्तों, अगर केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ भत्ता नगद रूप में जुलाई 2021 से देती है तो निश्चित रूप से राज्य कर्मचारियों को भी जुलाई 2021 से इसका नगद भुगतान होना तय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है उसमें जुलाई 2021 में आपको कितना वेतन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 11% आपको महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी होने वाली है, और साथ ही आपको बता दें कि जो आपको जुलाई माह में वेतन वृद्धि होती है वो आपके मूल वेतन के 3% की बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से 11% आपका महंगाई भत्ता और प्लस 3% आपका वेतन वृद्धि, इस तरह से कुल 14% की वृद्धि आपके वेतन में जुलाई माह 2021 में होने वाली है। तो निश्चित रूप से ये आपको
एक अच्छी वृद्धि दिखाई देगी। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।